हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल वेक्टर एजुकेटर्स पे। और मैं हूं आपका जीए और जीएस का एजुकेटर नवदीप सिंह। फटाफट से एक बार लिंक को कॉपी कीजिए और इसे शेयर कर दीजिए मैक्सिमम लोगों तक, सो दैट वी कुड स्टार्ट साइंस फ्रॉम टुडे। और साइंस में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट टॉपिक का, विच इज यूनिट एंड मेजरमेंट। तो यूनिट एंड मेजरमेंट के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से यह सेशन जाने वाला है, इसलिए आपको इसे सबसे पहले एक बार शेयर कर देना है, और शेयर करोगे तो मैक्सिमम लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। ओके, तो फटाफट से एक बार शेयर करिए, उसके बाद मैक्सिमम लोगों को जोड़िए। एवं साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक वेक्टर एजुकेटर्स का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है तो गलत किया है भाई आपने। वेक्टर एजुकेटर्स का एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए। एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद फिर आप बेसिकली ट्राई कर सकते हैं कि आप टेस्ट सीरीज परचेस कर सकें। ओके, चलिए मैं आपके सामने विजिबल जरूर हूं, पर शायद थोड़ा सा कैमरे में इश्यू आ रहा है। कोई बात नहीं, इसको हटा देते हैं यहां से, एंड देन आज के टॉपिक को डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आज हम लोग क्या क्या कवर करेंगे और आज के टॉपिक में हम लोगों को क्या क्या करना है। आज का टॉपिक जो होगा ना, यूनिट एंड मेजरमेंट वाला टॉपिक, इसमें हम लोग कवर करेंगे आज का जो एजेंडा है। आज के एजेंडा में बहुत अच्छे तरीके से सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे कि साइंस कितने अलग अलग पार्ट्स में बांटी गई है। दूसरा हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम लोग साइंस के अलावा और भी जो साइंस के एस्पेक्ट्स हैं उन एस्पेक्ट्स को कैसे टच कर सकते हैं। फिर यूनिट्स के बारे में चर्चा करेंगे, वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है, इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। एंड देन फाइनली वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट डाइमेंशंस। इनके एमसीक्यूज आज नहीं होंगे, इनके एमसीक्यूज मैं लेकर के आऊंगा बहुत ही जल्द। साथ ही साथ अगर आपने मुझे अभी तक टेलीग्राम पे मैसेज नहीं किया है तो आप नवदीप सिंह 003 टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो मैं यहां पे आपका डाउट सॉल्व कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, बैकग्राउंड अगर आपको ठीक लग रहा है तो फिर फटाफट से बढ़ते हैं आगे। साइंस का मतलब क्या होता है? देखो, साइंस का मतलब होता है एक्सपेरिमेंट के थ्रू किसी चीज की स्टडी करना। यदि आप एक्सपेरिमेंट करते हो, यदि आप ऑब्जर्वेशन करते हो, तो प्रयोगों और अवलोकन के माध्यम से तथ्यों के आधार पर प्राकृतिक दुनिया का अध्ययन करना साइंस कहलाता है। और साइंस के तीन मेजर ब्रांचेज हैं, इसकी तीन प्रमुख शाखाएं, भौतिकी, रसायन व बायोलॉजी। ये तो आप जानते हो, भौतिकी, रसायन व बायोलॉजी, ये जो तीनों शाखाएं हैं इन पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले फिजिक्स का मतलब क्या होता है? कि जो मैटर, उसके मोशन, उसके बिहेवियर, उसकी एनर्जी, स्पेस और टाइम में उसका क्या व्यवहार है, इन सभी को अगर पढ़ें तो वो फिजिक्स कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए मेरे पास एक पेन है, उस पेन को उठा करके मैंने फेंका, एंड पेन को उठा के मैंने फेंक दिया किसी एक जगह पर, उस पर मैंने थोड़ी कुछ ना कुछ फोर्स लगाया होगा। फोर्स लगाने के बाद वेट अ सेकेंड, उस पर मैंने थोड़े बहुत फोर्स लगाया होगा। अब अगर मान लीजिए पेन को उठा करके मैंने फेंका और यहां पर दीवार है, इस दीवार से जाकर के पेन टकराई, तो पेन में कुछ मैंने फोर्स लगाया, सबसे पहले ये पॉइंट है। और दूसरा, दीवार से जब ये पेन टकराई जाकर के, तो इसका कुछ ना कुछ टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट भी रहा होगा, यानी दीवार से टकरा करके रखने का इसका टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट। तो फोर्स इंटू टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट आपको बताता है इंपल्स के बारे में। अभी हम लोग इन छोटी छोटी चीजों को डिस्कस कर रहे हैं, पर इनके अभी बेसिक में भी घुसेंगे। कहने का मतलब कि पेन को मैंने धक्का दिया तो पेन के अंदर एक मोशन आया। अब वो मोशन क्यों है? क्योंकि कोई ना कोई फोर्स अप्लाई किया गया है इसीलिए। तो जब जब व्हेन देयर इज एन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, यू विल ऑलवेज सी मोशन। और मोशन जो होता है ये बिना फोर्स के संभव नहीं। ये पॉइंट याद रखिएगा, बिना फोर्स के मोशन संभव नहीं है। तो यू डू नीड टू रिमेंबर इट। नाउ द पॉइंट इज कि हम लोग इसे और थोड़ा बेसिक में समझते चलें। फिजिक्स से
सबसे पहले फिजिक्स में मैकेनिक्स को पढ़ते हैं, फ्लूइड्स को पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को, साउंड और लाइट, क्वांटम फिनोमिना, न्यूक्लियर रेडिएशन, इन सभी चीज़ों को हम स्टडी करते हैं और बड़े ही बेसिक से स्टडी करते हैं अच्छे से। इसके अलावा अगर हम दूसरा डिस्कशन करें क्या क्या चीज़ें और भी हैं जो हम पढ़ते हैं, तो जो हम पढ़ते हैं उनमें दूसरा है सब्जेक्ट केमिस्ट्री। ये ब्रांच ऑफ साइंस है जो स्ट्रक्चर्स के बारे में बेसिकली बताती है आपको। स्ट्रक्चर्स का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ की संरचना। अब संरचना की स्टडी अगर आपको करनी है तो यू नो कि आपको और भी बेसिक चीज़ों के बारे में जानना पड़ेगा, जैसे कि मटेरियल क्या है, ये पर्टिकुलर जो थिंग्स हैं ये किस मटेरियल से बनी हुई हैं, किस तरीके से इनकी संरचना हुई है, एवं साथ ही साथ आपको ये भी स्टडी करना पड़ता है कि कोई भी पेन अवेलेबल है। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरे हाथ में ये पेन है, ओके, ये पेन आप लोगों को दिख रही है। अब इस पेन को अगर मान लीजिए मैं यहाँ से फेंकता हूँ कहीं, तो ये पेन जाकर के टकराएगी दीवार पे। जैसे ही दीवार पे ये पेन टकराती है, पेन टकराने के बाद आपको पता है कि पेन जैसे ही टकराई, इस पर मैंने कुछ फोर्स लगाया था, फोर्स के बाद मैंने इसके मोशन को स्टडी किया, यहाँ तक तो ठीक है। दूसरा केमिस्ट्री मतलब मैंने पेन को तोड़ दिया, मैंने देखा किस प्रोसेस से पेन को बनाया गया, किस मटेरियल से पेन को बनाया गया, कौन कौन से मटेरियल का मिक्स पेन के अंदर है, और साथ ही साथ अगर मैं इसके स्ट्रक्चर को स्टडी करने लग जाऊं तो दैट इज केमिस्ट्री। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, केमिस्ट्री का मतलब होता है स्ट्रक्चर को पढ़ना प्रॉपरली, ठीक है। स्ट्रक्चर को पढ़ने को हम केमिस्ट्री कहते हैं। नाउ अब जो भी इसके स्ट्रक्चर और इसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रॉपर्टीज होती हैं, जिन किसी से भी होकर के ये गुजरते हैं, उन सभी को हम स्टडी करते हैं पूरी की पूरी केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री के भी अलग अलग पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है, यहाँ पे हम रूल्स और लॉज के बारे में पढ़ते हैं। चार्ल्स लॉ क्या है, बॉयल्स लॉ क्या है, एवोगैड्रोज लॉ क्या है, इन सभी के बारे में हम स्टडी करते हैं बेसिकली फिजिकल केमिस्ट्री में। देन उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री के अलावा अदर सब्जेक्ट, दूसरा है इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब कि जब हम कार्बन और कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड्स की स्टडी करना शुरू करते हैं, तो कार्बन और कार्बन के कंपाउंड्स की स्टडी को हम शुरू करेंगे, दैट विल बी द पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और उसके बाद होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब जब हम कार्बन के अलावा अध्ययन करना शुरू करते हैं केमिस्ट्री का, तो वो इनऑर्गेनिक का पार्ट कहलाता है। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब कार्बन के अलावा जब हम अध्ययन करते हैं तो, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ हम स्टडी करते हैं। नाउ द पॉइंट इज, इसके थोड़ा सा और आगे बढ़ें, तो आगे बढ़ करके हम बायोलॉजी को पढ़ते हैं। बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो कि बहुत ही स्पेशलाइज्ड फील्ड्स में डिवाइड होता है। स्पेशलाइज्ड फील्ड्स अलग अलग होते हैं, डिवाइडेड इंटू मेनी स्पेशलाइज्ड फील्ड्स। मॉर्फोलॉजी को कवर करना, फिजियोलॉजी को कवर करना, एनाटॉमी को कवर करना, बिहेवियर को कवर करना, और जीनोम के डिस्ट्रीब्यूशन को कवर करना, डिफरेंट डिफरेंट जो कवरिंग्स हैं जो आप करते हो वो आपके साइंस के इस पोर्शन के अंतर्गत आता है। तो आई होप कि अब आपको समझ में आया कि फिजिक्स डील करता है फोर्स के साथ साथ उसके बिहेवियर पे, केमिस्ट्री डील करता है स्ट्रक्चर पे, और स्ट्रक्चर का मतलब हम समझ सकते हैं कि जो नॉन लिविंग बीइंग होते हैं उन नॉन लिविंग बीइंग के स्ट्रक्चर और उनकी संरचना के बारे में स्पेशली केमिस्ट्री डील करता है। यदि अगर केमिस्ट्री लिविंग बीइंग के स्ट्रक्चर के बारे में डील करे या उनके बारे में आपको बताए, तो दैट इज द पार्ट ऑफ बायोकेमिस्ट्री। तो थोड़ा बहुत जैसे हम लोग बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की, तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जो पौधों के अंदर होती है, केमिकल रिएक्शन होता है, पर उस केमिकल रिएक्शन का जो असर है वो आपको देखने को मिलता है इन द फॉर्म ऑफ केमिस्ट्री, बट इन अ बायोलॉजिकल लाइफ। तो जो बायोलॉजिकल लाइफ में आपको देखने को मिलेगा वो फोटोसिंथेसिस बायोकेमिस्ट्री का पार्ट होगा। इसी तरीके से एनवायरमेंट में जब हम चीजों को स्टडी करना शुरू करते हैं, एनवायरमेंट का मतलब कि जब हम स्टडी करें कि लेट्स से एग्जांपल के तौर पर कहीं पर हम बात करें कि
पानी है तो पानी में टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स कितने हैं, पानी में टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स कितने हैं, ये केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है COD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है BOD, अगर हम इन सब को पढ़ें, हम एसिड रेन्स को पढ़ें, तो ये सभी पार्ट होते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के। और इसी तरीके से जब हम बायो का भाग पढ़ते हैं तो बायो के भी दो भाग हैं, बड़े भाग, एक है बॉटनी और दूसरा है जूलॉजी। तो जो बॉटनी है, बॉटनी का मतलब होता है कि पौधों का विज्ञान, पौधा विज्ञान को हम बॉटनी कहते हैं। और जूलॉजी जो होगा, जूलॉजी इज बेसिकली द साइंस, मतलब ये भी एक सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट में हम जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं, जीवों के बारे में। बॉटनी के फादर कहे जाते हैं थियोफ्रेस्टस, जूलॉजी के फादर कहे जाते हैं एरिस्टोटल। ठीक है, तो चलो हम इन सब के बारे में डिस्कस करें, लेकिन उसके बाद हम लोगों को डिस्कस करना है यूनिट और मेजरमेंट के बारे में। तो यूनिट और मेजरमेंट में हम क्या क्या चीजें डिस्कस कर सकते हैं, ये देखिए बायोलॉजी में एक तरफ है माइक्रोस्कोप, दूसरी तरफ है हार्ट। और हार्ट के बारे में तो वैसे ही आप लोगों को बताता रहता हूं मैं कि कौन सा हार्ट होता है जो हार्ट होता है और कौन सा होता है जो दिल होता है। तो दिल और हार्ट में बहुत फर्क है, ये फर्क हमेशा समझिएगा। आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ करके डिस्कशन करना शुरू करते हैं यूनिट और मेजरमेंट के बारे में। यूनिट और मेजरमेंट कितने इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सबसे पहले हम लोग तीन चीजों को पढ़ेंगे। पहला हम लोग पढ़ेंगे क्वांटिटी को, क्वांटिटी के बाद पढ़ेंगे इनके मेजरमेंट को, है ना, किसी भी राशि को पढ़ेंगे, राशि के बाद पढ़ेंगे उसके मापन को, और उसके मापन के बाद हम स्टडी करना शुरू करेंगे बेसिक, बहुत ही बेसिक कि यूनिट के सिस्टम्स क्या क्या रहे हैं। और यूनिट सिस्टम के बाद फिर हम लोग स्टडी करेंगे कि कौन कौन सी यूनिट्स होती हैं, एंड देन डायमेंशन को। तो फटाफट से समझना शुरू करते हैं कि क्वांटिटी का मतलब क्या होता है या फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। एक बार मैं यहाँ से बस गायब हो जाता हूँ एंड देन उसके बाद हम लोग सेशन को शुरू करते हैं, बिकॉज ये स्लाइड्स में, पूरी स्लाइड में डेटा कवर्ड है। तो देखिए, सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी को डिस्कस करें। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है कि एक फिजिकल प्रॉपर्टी जिसको क्वांटिफाई करके लिखा जा सकता है। क्वांटिफाई करने का मतलब होता है जिसे नंबर्स में व्यक्त किया जा सकता है। अगर नंबर्स में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लेंथ, लेंथ को आप लिख सकते हो कि सर 10 किलोमीटर दूर ये लंबाई है, या सर 5 मीटर ये लंबाई है। मास को आप लिख सकते हो कि सर 5 किलोग्राम या 10 किलोग्राम, ये मास की एक किलोग्राम इसकी यूनिट है और ये क्वांटिफिकेशन नंबर है। टेम्परेचर को आप लिख सकते हो सर 100 डिग्री केल्विन, या आप लिख सकते हो 373 केल्विन। ये सब कुछ आप व्यक्त कर सकते हो। अब इसमें जो केल्विन है, जो किलोग्राम है या जो मीटर है, ये तो इस क्वांटिटी की यूनिट है। क्वांटिटी को मेजर करके बता रहा है, परंतु जिसे आप लिख सकते हो नंबर्स में वही तो क्वांटिटी है, स्पीड है। आपने बोला कि सर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से मैं आगे की तरफ बढ़ रहा था, ये 40 जो है किसका मापन है, स्पीड का। तो ये राशि को व्यक्त करता है और ये यूनिट को। इसी तरीके से एरिया, कि सर 1000 मीटर स्क्वायर का एरिया है, तो मीटर स्क्वायर तो यूनिट है, परंतु 1000 जो है ये इसका एरिया है। तो कहने का मतलब फिजिकल क्वांटिटी या भौतिक राशि वो होती हैं जिनकी मात्रा निर्धारित की जा सकती है और संख्या का उपयोग करके उनको लिखा जा सकता है। फिजिकल क्वांटिटी इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी दैट कैन बी क्वांटिफाइड बेसिकली। अब देखिए, दो टाइप की होती हैं, जिनमें से एक है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, मूल भौतिक राशियां, और दूसरी होती है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, जिनको कहते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशियां। ये फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं फंडामेंटल वाली, इनको कभी भी अदर क्वांटिटीज के टर्म्स में नहीं लिखा जा सकता। जैसे लेंथ है, मास है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, टेम्परेचर है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये फिक्स्ड होती हैं। लेंथ को हम मीटर में लिखते हैं, मास को हम किलोग्राम में लिखते हैं, टाइम को हम सेकेंड में लिखते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में, टेम्परेचर को हम केल्विन में लिखते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लिखते हैं मोल में, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम लिखते हैं बेसिकली कैंडेला में। तो देखिए, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं, ये फिजिकल क्वांटिटीज को हम अदर क्वांटिटीज में एक्सप्रेस नहीं कर सकते।
फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को अदर क्वांटिटीज में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। हाउएवर जो डिराइव्ड होती हैं वो इन्हीं से निकली हुई होती हैं। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज हैं जो दो या दो से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज पे बेस्ड हैं, जैसे स्पीड। अब देखिए एग्जांपल के तौर पे स्पीड है, स्पीड को हम क्या लिखते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखिए टाइम एक क्वांटिटी है, डिस्टेंस दूसरी क्वांटिटी है, इन दो चीजों पे निर्भर कर रही है, तभी तो इसकी किलोमीटर पर आवर यूनिट आ रही है या इसकी मीटर पर सेकेंड यूनिट आ रही है। आगे बढ़े तो आगे बढ़कर के हम ये भी समझ सकते हैं कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एरिया, एरिया है तो एरिया का जो यूनिट होती है इसका फॉर्मूला होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। अब देखिए लेंथ भी मीटर में, ब्रेथ भी मीटर में, तो एरिया है मीटर स्क्वायर। ये दो लेंथ पर डिपेंड करता है, ये एक लेंथ और दूसरा टाइम पे डिपेंड करता है। जैसे प्रेशर की बात करें तो प्रेशर डिपेंड करता है, प्रेशर का क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। अब अगर ऐसा कुछ है तो आप सिंपली देखिए कि फोर्स अपॉन एरिया में ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, फोर्स अपॉन एरिया पे ये डिपेंड कर रहा है फोर्स के ऊपर, न्यूटन, और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। ये देखिए अब एरिया खुद भी लेंथ और लेंथ पर डिपेंड कर रहे हैं। तो इस तरीके से डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी निकलती है जो कि दो या दो से ज्यादा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है। आई होप यहां तक पॉइंट आपको क्लियर हो रहा होगा और आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ आगे बढ़े हम लोग, तो क्वांटिटीज को हम लोग स्केलर और वेक्टर दोनों में डिवाइड करते हैं। स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मतलब इसमें सिर्फ ये क्वांटिफाइड होंगी, इसमें एक नंबर आपको मिलेगा, नंबर कहने का मतलब कितना, पर इसमें डायरेक्शन सेंस नहीं होता। डायरेक्शन सेंस नहीं होता, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताता हूं कि अगर लेट से हम कहते हैं कि 100 किलोमीटर हमें जाना है, पर अगर हमने बोला 100 किलोमीटर नॉर्थ में जाना है तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन हमने कहा 100 किलोमीटर जाना है लेकिन डायरेक्शन नहीं बताई किधर जाना है, पर जाना तो है 100 किलोमीटर। अगर 100 किलोमीटर भी नहीं है तो कोई क्वांटिटी ही नहीं है। अगर 100 किलोमीटर है परंतु डायरेक्शन क्लियर नहीं है तो ये सिंपल एक स्केलर क्वांटिटी है, बट अगर इसमें डायरेक्शन ऐड होती है तो ये वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। अब मित्तू का यहां पे एक पॉइंट है, वो कह रही है कि मैथ्स को हर जगह रूल करना है, नॉट फेयर। देखिए मैथ्स का थोड़ा बहुत ही है यहां पर, जो भी खेल है वो भी मैं आपको बताता चलूंगा कि मैथ्स का कितना खेल है, इतना ज्यादा भी नहीं है, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ऐसा कुछ होने वाला है मैथमेटिक्स के नाम पर। जैसे डिस्टेंस है, स्पीड है, एनर्जी है, इन सभी की हम लोग बात करें ना तो ये स्केलर क्वांटिटीज होती हैं, इनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। आगे बढ़े हम लोग तो वेक्टर क्वांटिटीज का डिस्कशन कर लें। ऐसी क्वांटिटीज जिनमें दोनों मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों होती है, सदिश राशियां जिनमें परिमाण व दिशा दोनों होते हैं सदिश राशियां कहलाती हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। अभी हम लोग चर्चा करेंगे इनकी, कैसे कैसे इसमें दोनों हैं और कैसे उनमें नहीं है, इन दोनों का हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे। अब जैसे देखो अभी तक तो हम लोगों ने बात की क्वांटिटी की, कि क्वांटिटी कौन कौन सी होती है, अब हम लोग बात करें कि यूनिट्स क्या क्या हैं। वेट अ सेकेंड। हाँ हाँ, तो अभी तक हम लोगों ने क्वांटिटी की बात की, अब हम बात करेंगे यूनिट्स की। नाउ द पॉइंट इज कि यूनिट का मतलब स्टैंडर्ड्स फॉर मेजरमेंट, मेजरमेंट का स्टैंडर्ड। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप लिखोगे कैसे, लिखने के लिए मीटर है, किलोग्राम है, सेकंड है, केल्विन है। अब देखिए किसी भी लंबाई को लिखोगे तो मीटर में लिखोगे, किलोग्राम मास को लिखोगे तो किलोग्राम में लिखोगे, सेकंड है ना, सेकंड का मतलब क्या हुआ, सेकंड का मतलब वेरी सिंपल,
समझते चलिएगा। सेकंड का मतलब हुआ कि अगर आप किसी भी एग्जांपल के तौर पर टाइम को लिखोगे तो स्टैंडर्ड सेकंड में ही लिखोगे। ऐसे ही केल्विन, केल्विन का मतलब सिंपली आप टेम्परेचर को लिखोगे तो टेम्परेचर को आप लिखोगे केल्विन में ही। तो अब यूनिट को तो हम लोग समझ गए, सिस्टम्स को समझ लेते हैं कि यूनिट मेजरमेंट के क्या क्या सिस्टम्स मौजूद रहे हैं। सबसे पहले एक सीजीएस सिस्टम था। सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर ग्राम सेकंड ये सिस्टम था। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में लेंथ को मेजर किया जाता था सेंटीमीटर में, मास को मेजर किया जाता था ग्राम्स में और टाइम को मेजर किया जाता था सेकंड्स में। ठीक है, देखिएगा सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सीजीएस सिस्टम में मास ऑफ द बॉडी इन किलो ग्राम, लेंथ सेंटीमीटर और टाइम सेकंड में चलता रहा यह सिस्टम। एफपीएस सिस्टम भी था जो ब्रिटेन और उसके साथ साथ के देशों में चलता था। देखिए इस सिस्टम में क्या होता है कि मेजरमेंट में लेंथ को फुट में लिखा जाता है, मास को पाउंड में लिखा जाता है और टाइम को सेकंड में। लेंथ, मास और टाइम। अब देखिए इसे क्या कहा, एफपीएस सिस्टम। ये ब्रिटेन और ब्रिटेन के आसपास की कंट्री जो भी इसके रूल में थे उन सभी में यह सिस्टम चलता था। तो एफपीएस एक मापन प्रणाली है, इकाई मापन प्रणाली यूनिट को नापने की। आगे बढ़े हम लोग तो एमकेएस सिस्टम भी था। एमकेएस सिस्टम या जिसको मीट्रिक सिस्टम कहते हैं, याद रखिएगा एमकेएस को ही मीट्रिक सिस्टम कहा जाता है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। विच यूनिट सिस्टम इज कॉल्ड एज द मीट्रिक सिस्टम। अब देखिए इसमें लेंथ को लिखते हैं मीटर में, मास को लिखते हैं किलोग्राम में और टाइम को लिखते हैं सेकंड में। यह बढ़िया तरीका था, यह ज्यादा बढ़िया तरीका था। इस तरीके से चीजों को जब समझना शुरू किया तो ज्यादा बेहतर हो गई चीजें और फिर एमकेएस सिस्टम को ही आगे चल करके और बढ़िया तरीके से इसका विस्तार किया गया। अब जो विस्तार है उसे कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, या इसे एसआई सिस्टम कहा जाता है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड्स कहते हैं इसे। इसने सभी के सभी मेजरमेंट के सिस्टम्स को अब रिप्लेस कर दिया है। इंप्रूव्ड मीट्रिक सिस्टम है ये, एमकेएस सिस्टम का इंप्रूव्ड वर्जन। और इस इंप्रूव्ड वर्जन में लेंथ मीटर में लिखते हैं, मास को किलोग्राम में लिखते हैं और टाइम को सेकंड में लिखते हैं। एसआई प्रणाली में, मानकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, एसआई प्रणाली में लंबाई मीटर में, द्रव्यमान किलोग्राम में और समय सेकंड में मापा जाता है। नाउ द पॉइंट इज रियली सिंपल, यहां पर लेंथ है, लेंथ को मीटर में, टाइम है सेकंड में, द्रव्यमान है किलोग्राम में, क्षेत्रफल है स्क्वायर मीटर में, वॉल्यूम है क्यूबिक मीटर में, वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में, एक्सीलरेशन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरीके से डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब, कार्य जूल में, एनर्जी जूल में, फोर्स न्यूटन में, प्रेशर, देखिए प्रेशर जो होता है प्रेशर को लिखते हैं पास्कल में या लिखते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, फ्रीक्वेंसी को लिखते हैं हर्ट्ज, पावर को लिखते हैं वाट में, ऐसे ही वेट को लिखते हैं न्यूटन में या किलोग्राम में, इंपल्स को लिखते हैं न्यूटन सेकंड, क्योंकि मैंने क्या बोला था फोर्स इंटू टाइम, तो फोर्स इंटू टाइम है अगर तो सिंपल सी बात है न्यूटन और सेकंड आ जाएंगे। एंगुलर वेलोसिटी को रेडियन पर सेकंड लिखते हैं, विस्कोसिटी को लिखते हैं पॉइज में, सरफेस टेंशन को लिखते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, हीट को लिखते हैं जूल में, तापमान को लिखते हैं केल्विन में। पॉइंट याद रखिएगा, तापमान को केल्विन में लिखा जाता है, रेजिस्टेंस को लिखा जाता है ओम में, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को वोल्ट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को ओम पर मीटर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किलोवाट आवर में, इलेक्ट्रिक पावर को लिखते हैं किलोवाट में और मैग्नेटिक इंटेंसिटी को लिखते हैं ऑस्टेड में। पॉइंट सारे याद रखिएगा, मैग्नेटिक इंटेंसिटी को ऑस्टेड में लिखा जाता है। अब आइए मैं आपको समझाता हूं कि कोई स्केलर क्यों होता है, कोई वेक्टर क्यों होता है और किस तरीके से पूरा सिस्टम होता है। फिर इसका स्क्रीनशॉट भी आपको लेना है ताकि आप नोट्स बना सके
और PDF भी इसका आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। आप लोग मुझे मैसेज कर दीजिएगा एक बार मेरे टेलीग्राम पर, मेरा टेलीग्राम है नवदीप सिंह 003, इतना सर्च कर लीजिए टेलीग्राम पे और मैं मिल जाऊंगा आपको, डोंट वरी, ठीक है। इतना सर्च करके मुझे मैसेज कर देना कि सर PDF, तो आई विल गिव यू द PDF। चलिए अब फटाफट से आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके डिस्कस करना शुरू करते हैं मैक्सिमम चीजों को जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे पहले देखें यहां पर, अगर मान लीजिए मैं एक स्थान पर खड़ा हूं और ये जगह है कोई भी एक पॉइंट, तो ये मेरी पोजीशन है और मैं अपनी पोजीशन को कहूंगा कि ये मेरी स्थिति है। पोजीशन, पोजीशन की कोई यूनिट तो हो नहीं सकती। एग्जांपल के तौर पे ये P1 है और इस पोजीशन पर मैं खड़ा हुआ हूं, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, नो यूनिट। अच्छा आगे बढ़े हम लोग, तो एक स्थान से दूसरे स्थान चला गया, अगर मैं P1 से लेकर के P2 तक चला गया एग्जाम्पल के तौर पे, तो जब मैं एक स्थान से दूसरे स्थान गया और एक स्थान से दूसरे स्थान में सबसे छोटी दूरी से गया, इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हिंदी में कहेंगे विस्थापन। तो ये देखिए, सबसे छोटी दूरी से गया हूं मैं, मतलब इट इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अब देखिए स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है, इसकी यूनिट होगी मीटर। यहां पर प्रॉब्लम को जब अराइज हो तो उसको लिख देना, मैं आपको कॉन्सेप्ट के बाद में समझाऊंगा। अब देखिए यहीं पर कोई भी क्वांटिटी स्केलर और वेक्टर में क्यों परिवर्तित होती है, आखिर क्या रीजन होता है कि वो एक तरफ स्केलर हो जाती है और दूसरी तरफ वेक्टर। सबसे पहले देखिए यहां पर हम जितनी भी क्वांटिटीज पढ़ रहे हैं वो टोटल वेक्टर क्वांटिटीज को पढ़ेंगे, और यहां पर हम जितनी क्वांटिटीज पढ़ेंगे वो स्केलर क्वांटिटीज को पढ़ेंगे। अब देखिएगा फर्क कैसे समझ में आएगा आपको। अगर मान लीजिए मैंने आपको कहा कि ये P1 पॉइंट आपका घर है और आपको जाना है P3 पॉइंट तक, P3 पॉइंट है मान लीजिए रेलवे स्टेशन, आप P1 से बढ़े आगे की तरफ और आगे बढ़ करके सबसे पहले गए P2 पॉइंट पे जो कि आपकी मौसी का घर है, फिर उसके बाद आप गए P3 पॉइंट पे। ठीक, तो P1 से आप गए पहले P2 और P2 से देन आप गए P3। अब ये जो बेसिक है, इस बेसिक को समझते हुए चलिएगा किस तरीके से हम प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं फ्रॉम P1 टू P2 P3। आप जब अपने घर से निकले हो, आपको रेलवे स्टेशन जाना है पर यह पता नहीं है कौन सी डायरेक्शन से जाना है। अगर बिल्कुल भी पता ना हो कि किस डायरेक्शन से जाना है और आप मौसी के घर गए, मौसी घर से रेलवे स्टेशन गए, तो अगर मान लीजिए ये 10 किलोमीटर है और ये 10 किलोमीटर है, तो ये मान लीजिए 10 क्या ये लेट से 8 किलोमीटर है या 18 किलोमीटर है, तो ये डिस्टेंस आपने तय की टोटल 28 की। आपने जो डिस्टेंस तय की है वो टोटल 28 किलोमीटर तय की है, ये 10 + 18 दोनों मिला करके ये आपने डिस्टेंस तय की, क्योंकि आपको कोई पता नहीं था कि किस डायरेक्शन से जाना है, नो डायरेक्शन सेंस। लेकिन अगर यहीं आपको बोल दिया जाए कि स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी आपको रेलवे स्टेशन पहुंचना है अपने घर से लेकिन सबसे छोटी वाली डायरेक्शन से जाना है, तो आप मौसी के घर नहीं जाओगे, आप डायरेक्टली कोशिश करोगे कोई ऐसा रोड पकड़ो जो डायरेक्टली पहुंचाए, इजंट इट। अब अगर कोई डायरेक्टली पहुंचाएगा P1 से P3, तो दैट यू कैन सिंपली अंडरस्टैंड कि क्या होती चीजें। P1 से लेकर के P3 जाने तक में यहां आपको जो डिस्टेंस मिलेगी वो होगी 10² + 18 का स्क्वायर, ये होगी डायरेक्ट डिस्टेंस, ये होगा आपका डिस्प्लेसमेंट। अब आपको समझ में आया कि जब आप सबसे छोटी वाले दिशा से जाओ, जब सबसे छोटे वाले रूट से जाओगे तो आपको पता होगा कौन से डायरेक्शन से जाना है, लेकिन जब आप कुछ भी नहीं जानते हो कि कौन से डायरेक्शन से जाना है तो आप आराम से कवर करते हुए पहुंचोगे। जब आप आराम से कवर करते हो, आपको डायरेक्शन का कोई नॉलेज नहीं होता, तो वो डिस्टेंस है। जब आपको डायरेक्शन का नॉलेज हो
एंड आप सबसे छोटी वाली डिस्टेंस से जाओ तो उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये दोनों के बीच में फर्क है। अब देखिए, अब एग्जाम्पल के तौर पे कि मान लीजिए मैं P1 से लेकर के P2 तक गया और P1 से लेकर के P2 जाने में 2, 3 और 4 मुझे एक कदम चलने में, या मैं P1 से P2 पॉइंट तक जा रहा हूं, मान लीजिए मैं 4 कदम चला और मैं एक कदम 1 सेकंड में चल रहा था तो टोटल मुझे टाइम 4 सेकंड लगेगा। तो आपने कहा कि सर आपकी जो वेलोसिटी है वो बेसिकली 1 कदम पर सेकंड है, तो अगर 1 कदम 1 मीटर का है और 1 सेकंड में मैं उसे चल रहा हूं तो आप बोलोगे कि सर आपकी जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी, जिसे हिंदी में कहते हैं वेग, अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो तो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि डिफरेंस इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये वेलोसिटी कहलाती है। P1 से लेकर के P2 तक आप गए, आप 1 कदम प्रति सेकंड आगे की तरफ बढ़ रहे थे, 4 कदम में आपने डिस्टेंस तय की और 1 सेकंड में 1 कदम आगे बढ़े, यानी 4 कदम के लिए आपको 4 सेकंड लगे। हाँ बिल्कुल, ये जो मैंने निकाला था 10² + 18² ये पाइथागोरस थ्योरम से ही था मित्रों। अब देखो, मीटर पर सेकंड हमने यूनिट निकाली, ये यूनिट किसकी होगी? वेलोसिटी की। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि वेलोसिटी में चेंज आ जाए। अभी तक तो डिस्प्लेसमेंट में पर यूनिट टाइम जो चेंज आया, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम dx/dt, ये dx/dt हम लोग मैथमेटिक्स में लिख देते हैं, बाकी ऐसा कुछ है नहीं, मीटर पर सेकंड में लिखेंगे। अब देखिए, अगर मान लीजिए आप वेलोसिटी भी तेज करें या धीरे करें, एग्जांपल के तौर पे P1 से लेकर के P2 तक आपको जाना है और P1 से P2 में 1 कदम आप तेजी से चल रहे हो, दूसरा कदम धीरे चल रहे हो, तीसरा कदम तेजी से चल रहे हो, चौथा कदम धीरे चल रहे हो, मान लीजिए कि 1 कदम आपने आधे सेकंड में कवर किया, दूसरे कदम के लिए आपने 1.5 सेकंड ले लिए, फिर 1 कदम आधे सेकंड में कवर किया, फिर दूसरे कदम के लिए 1.5 सेकंड ले लिए, तो इस तरीके से आपने टोटल लिया कितना? आपने टोटल लिए 4 सेकंड, पर एक स्पीड से एक कम से, एक स्पीड से एक कम से, अगर इस तरह आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो देन डेफिनेटली योर वेलोसिटी इज चेंजिंग। तो अब अगर यहां पर कुछ ऐसा पढ़ें कि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू या पर यूनिट टाइम, अगर हम लोग स्टडी करें तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, मीटर पर सेकंड तो ऑलरेडी था, पर यूनिट टाइम और चेंज कर रहे हो तो ये तो हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इजंट इट, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। और इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम लोग कहेंगे एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन को हिंदी में कहते हैं त्वरण, याद रखिएगा। ये है डिफरेंस इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नाउ पॉइंट इज रियली सिंपल कि आप वेलोसिटी में भी चेंज ला रहे हो, तो चेंज लाने की बात है, पोजीशन में चेंज लाए डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट में चेंज लाए पर यूनिट टाइम वेलोसिटी हुआ, वेलोसिटी में पर यूनिट टाइम एक्सीलरेशन हुआ। और एक्सीलरेशन को हम किसमें लिखते हैं? हम वेलोसिटी को लिखते हैं स्मॉल v में, एक्सीलरेशन को लिखते हैं स्मॉल a में। अब यहां डिस्टेंस है, डिस्टेंस को पर यूनिट टाइम अगर देखोगे तो डिस्टेंस को पर यूनिट टाइम आप सिंपली देख सकते हो डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? स्पीड। तो देखिए, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि विस्थापन में दिशा तो है, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस से जाना है, मतलब आपको नॉलेज तो होगा कि डायरेक्शन कौन सी होगी, फिर उसके बाद इसी तरीके से सब इसी पर ऊपर बेस्ड है, तो सब इसी के ऊपर बेस्ड है, मतलब सिंपल सी बात है, दे ऑल विल बी वेक्टर्स। तो समझ गए आप ये पॉइंट क्या है? अब देखिए, मैं एक बार आपके सामने आता हूं और चीजों को और अच्छे तरीके से समझाता हूं कि किस तरीके से समझेंगे हम, ठीक है? अभी कोमल जुड़ी हुई है क्या? चलो, अब आपके सामने एक बार हम उपस्थित होकर के
और चीजों को समझा देते हैं, किस तरीके से हम कवर कर रहे हैं इसको। देखिए अब आपके सामने मैं पहुंचा। मेरा कहने का मतलब कि अगर मान लो आप अपने घर में हो, तो घर में हो तो वो आपकी पोजीशन है। पापा ने कहा कि बेटा रेलवे स्टेशन जाना है, तो आपने निकाल ली एक्टिवा। एक्टिवा जैसे ही निकाली, बाहर खड़ी कर दी, एक्टिवा आपकी पोजीशन है आपके घर में। आपने उसे स्टार्ट किया, आपने उसे स्टार्ट करके उसका कान घुमाया। जैसे ही आप कान घुमाओगे, कान घुमाने से एक्टिवा आगे बढ़ने लगेगी। अब मान लीजिए आपके घर और रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी है 5 किलोमीटर। इस 5 किलोमीटर में जैसे ही आप कान घुमाते हो एक्टिवा का, एक्टिवा पहले तेज चलती है, फिर आप कान ऐसे घुमाते हो तो एक्टिवा स्लो चलने लगती है, फिर आप ब्रेक लगाते हो एक्टिवा और स्लो हो जाती है, फिर आप बढ़ाते हो उसका कान घुमाते हो, फिर एक्टिवा तेज चलने लगती है। आप वेलोसिटी चेंज कर रहे हो या नहीं, स्पीड चेंज कर रहे हो ना, कभी 20 किलोमीटर पर आर, कभी 40 किलोमीटर पर आर, कभी 60 किलोमीटर पर आर। जैसे ही आपकी गाड़ी तेज या धीरे होती है, आप बेसिकली उसकी स्पीड को कभी बढ़ा देते हो, उसकी स्पीड कभी घटा देते हो, फिर बढ़ा देते हो, फिर घटा देते हो, है ना, ऐसा कर रहे हो आप। अगर आप ये वेलोसिटी में चेंज ला रहे हो, याद रखिएगा, अगर आप ये वेलोसिटी में बार बार चेंज ला रहे हो, इसका मतलब सिंपल है कि आप उसका एक्सेलरेशन बदल रहे हो। और अगर वेलोसिटी में लाया हुआ चेंज एक्सेलरेशन है, जैसा कि मैंने आपको यहां पर समझाया है, तो आपके हाथ में जो एक्सेलरेशन को चेंज करेगा उसे एक्सेलरेटर कहेंगे। इसीलिए आपके हाथों में जो होता है ना, जिसका कान घुमाते हैं, उसको एक्सेलरेटर बोलते हैं, क्योंकि वो एक्सेलरेशन को चेंज करता है, वो त्वरण को बदलता है, इसलिए उसको बोलते हैं एक्सेलरेटर। पॉइंट समझ में आया या नहीं आया, फटाफट एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए। एक बार मैं फिर से गायब होता हूं एंड देन आपको और भी पॉइंट्स के बारे में बताता हूं। चलिए अब समझते हैं कि एक्सीलरेशन के बाद हम लोग एक्सीलरेशन को अगर टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करें तो क्या मिलेगा। अगर dA/dt, पता है आप, एक्सीलरेशन अगर कान घुमाते रह जाओ और जल्दी जल्दी घुमाओ और जल्दी जल्दी गायब करो, तो कान घुमाने से आपको मिलेगा जर्क, झटके मिलेंगे आपको जल्दी जल्दी कान घुमाओगे तो। अच्छा, जर्क को अगर आप चेंज करो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो जर्क को टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करोगे तो आपको मिलेगा जाउंस। अच्छा, जाउंस को टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करो, तो जाउंस को टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज किया तो आपको मिलेगा क्रैकल, और क्रैकल को भी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करो तो आपको मिलेगा पॉप, और पॉप को भी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करो। अब देखिए यूनिट देखते चलिएगा, यूनिट अभी आपको बताऊंगा। यूनिट में पोजीशन के डेरिवेटिव्स को बदल रहे हैं हम बार 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 बार। जर्क है, एक्सीलरेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज किया, मीटर पर सेकेंड क्यूब। जाउंस है मीटर पर सेकेंड 4, क्रैकल है मीटर पर सेकेंड 5, पॉप है मीटर पर सेकेंड 6, और अगर पोजीशन के छठवें डेरिवेटिव को भी आप चेंज करोगे आपको मिलेगी मौत, क्योंकि इतना जल्दी आप स्पीड में चेंज नहीं ला सकते, समझ रहे हो। तो ये बस एक डिस्कशन है, जिस डिस्कशन को हम समझते हैं। और अब आपको कहिए, समझ में आया कि वेक्टर और स्केलर क्यों होते हैं या नहीं। क्योंकि ये सबसे छोटी वाली डिस्टेंस है, इसलिए आपको हमेशा पता होता है कि डायरेक्शन क्या होगी। अगर आपको कोई ना बताए तो आपको बिल्कुल नहीं पता होगा कि डायरेक्शन क्या होगी। इसलिए डिस्टेंस स्केलर है, स्पीड स्केलर है, वहीं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है, एक्सेलरेशन वेक्टर है। पॉइंट समझ में आया या नहीं, यस लिखिए YES, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे। चलिए अब समझा जाए कि और भी चीजें क्या हैं, डायमेंशंस क्या होते हैं, और डायमेंशन को हम किस तरीके से लिखते हैं, और उनका एग्जामिनेशन में कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए फिजिक्स सिंपल है, सच में बहुत सिंपल है, इसको हम लोग ऐसे ही सिंपल बना बना के पढ़ते रहेंगे, एक्टिवा भगा भगा के,
आप टेंशन मत लो, डायमेंशन के बारे में समझो, पॉइंट क्या है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट था। डायमेंशन कुछ नहीं है, इसको हिंदी में कहते हैं विमाएं, और इसमें इसमें हम लोग मास को लिखते हैं एम। देखो जो भी है ना, मास है, लेंथ लिखते हैं एल से, टाइम लिखते हैं टी से, क्या दिक्कत है? डायमेंशन को हम एम एल टी लिखते हैं। अब ये एम एल टी क्यों लिखते हैं? मास को एम से लिखेंगे, लेंथ को एल से लिखेंगे, टाइम को टी से लिखेंगे। अब देखिए बहुत सिंपल है ये, डायमेंशन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का इंडेक्स होता है जो उसकी क्वांटिटी के बारे में बताता है। अब जैसे देखो बड़े ही सिंपल तरीके से, मान लो मैं एग्जाम्पल के तौर पे कहता हूं कि वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया? वेलोसिटी का मतलब हो गया कि वेग, ठीक है। वेलोसिटी को हम लिखते हैं मीटर पर सेकंड से, यानी हम इस पे लिख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखो टाइम को किस में लिखते हैं? टी में। लेंथ को किस में लिखते हैं? एल में। मतलब यहां पर एक लेंथ भी है और यहां पर एक टाइम भी है, दोनों हैं। अब देखिए एक फॉर्मूला आप लोगों ने मैथमेटिक्स में हमेशा पढ़ा होगा कि एक्स की पावर 0 होता है 1, एक्स की पावर 1 होता है एक्स, एक्स की पावर -1 होता है 1 अपॉन एक्स, या एक्स की पावर -2 होता है 1/x². ऐसे हम लोगों ने पढ़ा है बचपन से, कोई दिक्कत नहीं अगर ऐसे पढ़ा है तो। अब देखिए कितना बढ़िया तरीके से आप इस प्रॉब्लम को समझेंगे। इसमें डिस्प्लेसमेंट में एक लेंथ है, बिल्कुल है, एल लिख दिया, टाइम है टी है, उसको भी लिख दिया हमने। अब देखिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, एल इंटू 1/टाइम। अब देखो सिंपल सी बात है, एल है ही, और 1/t को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए 1/x, x की पावर -1 होता है, x की पावर -1 Lt-1 लिख देंगे। ये देखिए ये डायमेंशन निकल आया वेलोसिटी का। चलिए एक बार फिर से समझते हैं, एक्सीलरेशन का समझते हैं ना। एक्सीलरेशन में देखो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, सेकेंड किसकी यूनिट होती है? टाइम की। टाइम का स्क्वायर है टी का स्क्वायर, ये देखिए ये वाला नंबर 3 से उठाया हमने। समझते चलिएगा, मीटर किसकी यूनिट है? लेंथ की। तो एल अपॉन टी स्क्वायर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एल इंटू 1/t². अब इसको सिंपली लिख लो Lt-2। देखिए ये डायमेंशन निकल आई। बताइए डायमेंशन समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए कुछ और भी समझ लेते हैं। जैसे मान लो फोर्स, फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। अब मास को हम किस में लिखते हैं? एम में। एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो मास को तो एम में लिखा ही है, एम है, फिर साथ ही साथ एम ये जो मीटर है ये लेंथ बता रहा है, बिल्कुल एल ठीक है, और ये जो अपॉन में है ये बता रहा है टाइम, तो टी का स्क्वायर। अब देखिए फोर्स की क्या निकल करके आ रही है डायमेंशन? एम एल टी -2, क्योंकि 1/t² चेंज हो जाता है। यहां तक समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा ये बताइए फटाफट। अगर हां समझ में आ रहा है तो ठीक, नहीं समझ में आ रहा चलो यार, कुछ लिख ही नहीं रहे हो आप लोग। हां ना कुछ तो लिख दो कि हां समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अरे दिमाग लगाओ इसमें, क्या क्या है, सिंपल है एकदम, बिल्कुल सिंपल है। देखो
डायमेंशन का मतलब लिखना किस में है, हम लोगों को लिखना है एम एल टी में लिखना है ना। बहुत सिंपल है यार, डायमेंशन हम एम एल टी में लिखेंगे। एम एल टी में लिखने के लिए हमें करना क्या है, एम का मतलब है यहाँ पे मास, ठीक है, एल का मतलब है लेंथ, टी का मतलब है टेम्परेचर, सॉरी टाइम, सॉरी सॉरी सॉरी, टी का मतलब है टाइम। क्या दिक्कत आ रही है, बहुत ही सिंपल तो है। आइए मैं आपको फिर से बता देता हूं, एम एल टी में तो लिखना है। अब जैसे अगर मान लो मैंने कहा कि फोर्स है, या मान लीजिए कि प्रेशर है, तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ये होता है ना फॉर्मूला। अब देखिए फोर्स अपॉन एरिया के फॉर्मूले में हमने इसे फोर्स इंटू वन अपॉन एरिया लिख दिया, इतना चलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन इंटू वन अपॉन एरिया। अब देखिए मास जो है, मास को एमएलटी में एम से क्या लिख रहे हैं, मास, कोई दिक्कत नहीं। एक्सेलरेशन को हम क्या लिखते हैं, एक्सेलरेशन को लिखते हैं हम जो भी हमारी लेंथ होती है अपॉन टाइम का स्क्वायर, ऐसे ही लिखते हैं ना, और वन अपॉन एरिया लेंथ का स्क्वायर लिखते हैं, और इनटू मास। अब समझो, अब तो बड़ा सिंपल है, मास को लिख दो एम, यहां पे देखो एक लेंथ और इसका स्क्वायर कट गया, वन अपॉन लेंथ क्या कहलाएगा, लेंथ की पावर माइनस वन, और ये टाइम क्या कहलाएगा, टाइम की पावर माइनस टू। अब बड़ा सिंपल हो जाएगा, देखिए एम लेंथ की पावर माइनस वन, तो एल माइनस वन, और टाइम की पावर माइनस टू, तो टी माइनस टू। देखो ये तो सिंपल मैथ्स है, बहुत सिंपल मैथ्स, जो मैं क्लास सिक्स की मैथ्स बता रहा हूं आपको। प्रेशर का क्या निकला, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। अब कहो समझ में आया कि नहीं आया, डायमेंशन। अरे हाँ ना, कुछ तो कह दो। चलो अब जैसे देखो, अब दूसरी चीज मैं बताता हूं एग्जाम्पल के तौर पे, यहीं पर और डिस्कस करते हैं हम लोग। चलिए मैं यहां पर डिस्कस करता हूं आपसे कि लेट से, ओह हाँ, प्रेशर को हम लोगों ने डिस्कस किया। अब मान लीजिए मैं एनर्जी को डिस्कस करूं, ठीक है, या वर्क को डिस्कस करूं। वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है, वर्क डन का फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल होता है। देखो मधुलिका, अगर इतना सिंपल है, वो मैंने आपको बोला था कि वन अपॉन एक्स स्क्वायर को हम एक्स की पावर माइनस टू लिखते हैं। ये मैथ्स है यार, ये विकास सर से पूछो, मुझे नहीं पता ये ऐसा क्यों होता है, विकास सर बताएंगे इसके बारे में, आई डोंट नो, है ना। आइए अब हम लोग डिस्कस करें वर्क डन के बारे में। वर्क डन बराबर क्या होता है कि जितना आपने फोर्स लगाया और जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। जैसे अगर मान लीजिए ये कोई डिब्बा है, इस डिब्बे पर हमने फोर्स लगाया और ये डिब्बा खिसक करके पहुंच गया यहां पर, तो दैट मींस ये P1 से लेकर के P2 तक पहुंच गया। अब अगर मान लो P1 से P2 तक की डिस्टेंस है 10 मीटर और जो हमने फोर्स लगाया था वो 10 न्यूटन का था, तो आप सिंपली फोर्स इनटू डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट जो भी हुआ है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, आपको वर्क मिल जाएगा। तो 10 गुणे 10 बराबर 100 जूल, ये है आपका वर्क डन। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, जैसा कि मैंने आपको समझाया।
अब देखिए पॉइंट बड़ा ही सिंपल है, फोर्स को हमने क्या लिखा, मास इंटू एक्सीलरेशन और इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए मास को तो हम m लिखते हैं, एक्सीलरेशन का क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, और साथ ही साथ डिस्प्लेसमेंट का तो हम l लिखेंगे ही, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट भी एक लेंथ को दर्शाता है ना। बड़ा ही सिंपल हो गया सब कुछ। m यहां पर देखिए l और दूसरा l, l अपॉन t का स्क्वायर। अब आप देखो खुद ही m l 2, क्योंकि l l मल्टीप्लाई हुए तो l की पावर 2 हो गया, और t ऊपर आएगा, यहां से ऊपर जब आएगा तो t की पावर माइनस 2 हो जाएगा। दैट इज वर्क डन, और एनर्जी भी सेम ही होगा, क्योंकि वर्क डन और एनर्जी की यूनिट भी सेम होती है, तो इसलिए इन दोनों की डायमेंशन भी सेम होंगी। अब लॉजिक क्लियर हुआ, मित्तू कोमल और बाकी लोग जो जुड़े हुए हैं उन लोगों को लॉजिक क्लियर हो रहा है क्या, बताओ। फटाफट एक बार बताओ क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा। चलो बढ़िया, ठीक है, फिर अब फटाफट चूंकि आप समझ गए हो तो एक बार यहां पे देख लीजिए कि इनका एरिया, लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट, डेंसिटी का मास वॉल्यूम, ये सब कुछ मैंने यहां पे दे भी रखा है आपको, तो ये अब आप सब समझ जाइएगा कि क्या क्या चीजें हैं। आप मुझे सोशल मीडिया पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, ये सब मेरी आईडीज हैं, फेसबुक पे एडुकेटर नवदीप सिंह, इंस्टाग्राम पे नवदीप सिंह 003, नवदीप सिंह 003, ट्विटर पे भी। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच, और मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उसके पहले आप लोगों को वेक्टर एजुकेटर्स का एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल करना है, अगर आपने अब तक एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है तो ऐप को प्लीज़ इंस्टॉल कीजिए, और इंस्टॉल करने के बाद उसमें से टेस्ट सीरीज परचेज कीजिए। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।